कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। देख सकते हैं मेरी स्क्रीन पे हम कुछ इस टाइप से फोटो एडिटिंग करने वाले हैं। अगर आप लोग भी कुछ इस टाइप से फोटो एडिटिंग करना चाहते हैं तो बिना स्किप के वीडियो पूरा फुल वॉच करें, 100% मेरे साथ फोटो एडिटिंग करना सीख जाएंगे। तो चलिए बिना देरी के कर लेते हैं वीडियो को स्टार्ट एंड फोटो को शेयर कर लेते हैं स्नैपसीड एप्लीकेशन के अंदर। जैसे कि आप देख सकते हैं आ चुके अपने स्नैपसीड एप्लीकेशन के अंदर। तो सबसे पहले वो करना क्या होगा, तो यहाँ से ये वाला ऑप्शन दिखाया हुआ है, इस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना होगा। एंड देख सकते हैं यहाँ पे क्लिक करते ही हम लोग का फोटो कुछ ब्लू टोन में हो चुका है। तो सबसे पहले तो हमको करना क्या होगा, तो यहाँ से नीचे डन वाला ऑप्शन दिखाया हुआ, इधर डन वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। डन वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं, यहाँ से टूल्स वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, एंड टूल्स वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। एक बार टूल्स वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद यहाँ डिटेल्स वाला ऑप्शन दिखाया, डिटेल्स वाले ऑप्शन पर क्लिक करके इसकी साइबनेस को बढ़ा देना है। एंड साइबनेस को बढ़ाते हैं यहाँ से कोने में डन वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा नीचे के साइड में, एंड डन वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। डन वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद फिर से हमको टूल्स वाला ऑप्शन पे क्लिक करना है, एंड टूल्स वाले ऑप्शन पे क्लिक करके सैचुरेशन दिखाया है, सैचुरेशन ले लेना है। एंड इसको सेलेक्ट करके जहाँ हम लोग का ब्लैक रहेगा वहाँ पे थोड़ा इसका ब्राइटनेस बढ़ा देंगे। तो देख सकते ब्राइटनेस बढ़ा देने के बाद तुमको करना क्या होगा, यहाँ से ऊपर शेयर वाला ऑप्शन दिखाया हुआ है ऊपर के साइड में, इधर शेयर वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। शेयर वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं यहाँ कुछ प्रोसेसिंग लेगा। हाँ तो गाइस देख सकते हो चुका है हम लोग का फोटो सेट, एंड इस फोटो को ले चलते हैं डायरेक्ट लाइटरूम एप्लीकेशन के अंदर। तो फाइनली गाइस देख सकते हैं आ चुके हैं अपने लाइटरूम में स्क्रीन के ऊपर। सबसे पहले हमको करना क्या होगा, लेकिन अपने ओरिजिनल फोटो देख रहे ना कितना बेकार दिख रहा है। एंड देख सकते हैं ये हम लोग का जो स्नैपशीट में एडिटिंग किए हैं वो वाले ओरिजिनल फोटो यही है हम लोगों को। तो यहाँ से करना क्या होगा हम लोगों को, तो यहाँ से बैक वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना होगा। एंड बैक वाले ऑप्शन पर क्लिक करके स्क्रॉल करके नीचे आना है, एंड ये वाला प्रीसेट है, मैं इस प्रीसेट का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से आप लोग जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमको करना क्या होगा, तो यहाँ से थ्री लाइन वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, एंड थ्री लाइन वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना होगा। एंड थ्री लाइन वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं, यहाँ से कॉपी सेटिंग का ऑप्शन दिखाया है, कॉपी सेटिंग पे क्लिक कर देना होगा, एंड कॉपी सेटिंग करके यहाँ से डन कर देना है। इतना सब हो जाने के बाद फिर से हमको करना क्या होगा, स्क्रॉल करके नीचे आना है, एंड अपने ओरिजिनल फोटो के ऊपर चलना है। तो हमको यहाँ से थ्री लाइन वाले ऑप्शन पर दोबारा क्लिक करना है, एंड दोबारा थ्री लाइन वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेते हैं, यहाँ से पेस्ट सेटिंग पर क्लिक कर देते हैं। एंड देखते हम लोग का फोटो कितना हाई क्वालिटी HDR हो गया है। तो अगर आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पर अभी फॉलो नहीं किए तो फॉलो कर ले, जाके लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो चलिए इस फोटो को ले चलते हैं कहाँ पे, तो यहाँ शेयर वाले ऑप्शन पे क्लिक करके यहाँ से इस फोटो को शेयर कर लेते हैं पहले तो। हाँ तो गाइस देख सकते हो चुका है फोटो शेयर, इस फोटो ले चलते हैं ऑटोटेक स्केचबुक एप्लीकेशन के अंदर। तो देख सकते हैं आ चुके हैं अपने ऑटोटेक स्केचबुक एप्लीकेशन के अंदर, रहा हम लोग का ओरिजिनल वाला फोटो, एंड इसी फोटो का आप लोग हम करने वाले हाई क्वालिटी HDR में स्मूथ। तो देख सकते हैं आप लोग पूरा पॉइंट यही से समझना है आप लोगों को। तो यहाँ से लाइब्रेरिंग वाला ऑप्शन दिखाया, लाइब्रेरिंग वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देना होगा। लाइब्रेरिंग वाला ऑप्शन पर क्लिक करते ही आप लोग स्क्रॉल करके नीचे आना है, एंड हमको ये वाला ब्रश सेलेक्ट कर लेना है, एंड ये वाला ब्रश सेलेक्ट करते यहाँ सेटिंग में जाना है, एंड फॉलो 4 है तो इसको हम 5% कर देंगे। एंड ऐसे 5% करने के बाद इसको स्ट्रेंथ को 14% रख कर यहाँ से बैक आना है, एंड साइज अपने हिसाब से रख सकते हैं, एंड अपने फेस के ऊपर जूम करना है, अपने हाथ से कुछ अप्लाई कर लेना है इसके ऊपर। तो देख सकते हैं अभी कितना हाई क्वालिटी HDR में हम लोग का फेस स्मूथिंग हो रहा है, ऐसे ही आप लोग भी कर लीजिए। एंड वीडियो ढेर लंबा है इसलिए इस वीडियो को कर लेते हैं फास्ट। तो फाइनली गाइस आशा है कि आप लोग वीडियो पसंद आया, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा कर नोटिफिकेशन ऑन कर ले। चलिए मिलते हैं सारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। यही आप लोग को जो दिखाई दे रहा होगा हम लोग का फोटो का लेयर जो बन चुका है, उसी फोटो का लेयर दिखाई दे रहा होगा, तो आप लोग आराम से कीजिए। चलिए मिलते हैं सारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।